अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुक के लिहाज से 12.6 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। यानी हम किसी भी क्लोज सरफेस पर क्या फाइंड करने जा रहे हैं, क्लोज इनक्लोजिंग ए चार्ज। हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, क्लोज है, मतलब क्लोज फॉर्म में है। तो उसको हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं। हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक मतलब क्या लिया, एक स्फीयर नुमा एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। हमने जो सरफेस लिया वो क्या है, स्फीयर नुमा लिया है, जो कि क्या करता है, चार्ज इनक्लोज करता है, जिसके अंदर क्या है, चार्ज क्यू इनक्लोज किया हुआ, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, टू कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट फ्लक्स कंसीडर आस्पे इनक्लोजिंग चार्ज क्यू एट रेडियस आर। यानी हम फिगर को देखें तो हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर लिया, हमने एक स्फीयर सरफेस लिया इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, उस पर हमने चार्ज क्या किया हुआ है, क्यों इनक्लोज किया है, जो कि रेडियस है हमारे पास आर में पड़ा हुआ है। अब चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ये है। चूंकि ये फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया या सर्टेन एरिया काज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है हम इस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इस फिगर पे, इस स्फीयर पे, इस क्लोज सरफेस पे, इस क्लोज शेप पे हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इस फार्मूला को हम डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, इसकी एक रीजन ये है कि हमारे पास ये जो स्फीयर है इसको क्या होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ पेचेस होना चाहिए, यानी छोटे छोटे पीसेस में होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। तो अब हम इसको इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हम इसी फार्मूला से करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इस पे इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पूरे जो हमारे पास स्फीयर ऑफ सरफेस है, सरफेस ऑफ स्फीयर है, उस पे हम क्या कर देते हैं, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसके पैचेस बना लेंगे। तो हमारे पास इसका डेल ए, इसका एरिया हमारे पास जो पैच होगा उसका डेल ए होगा, और उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हमारे पास इसको कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो इसका एरिया आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पैचेस ऑफ दैट एरिया, तो हमने क्या किया, पूरे सरफेस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड टू अप्लाई फॉर्मूला डिवाइड द ऑल सरफेस इनटू एन पैचेस टू मेक फ्लैट। ये उसको फ्लैट बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे सरफेस को क्या कर दिया है, एन पैचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब ये हमारे पास पैच है तो इसके एरिया क्या होगा, डेल ए होगा। तो अगर हम एन पैचेस की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरह से मैग्नीट्यूड इसकी लिख सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो पैच होगा उसका एरिया डेल ए वन होगा, हमारे पास जो सेकंड होगा उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो हमारे पास डेल ए टू होगा, और हमारे पास जो थर्ड का होगा, थर्ड पैच का एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल ए थ्री होगा, और हमारे पास फोर का क्या होगा, डेल ए फोर। अगर हम सोन एन पैचेस की बात करें तो उसका डेल एरिया क्या होगा, डेल ए एन होगा। एन पैचेस का हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, डेल ए एन होगा। अब ये आपने क्या कर लिया, एरिया लिख लिया। तो अब अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए तो एक पैचेस की इंटेंसिटी फर्स्ट की ई वन होगी, सेकंड की ई टू, ई थ्री, सो ऑन। इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ई एन तक हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ई एन तक चली जाएगी।
अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है वो इस तरह से होता है फाइव ऑफ ई इक्वल टू ई डॉट ए, ये हमने अभी पढ़ा है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स थ्रो होल सरफेस, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा टोटल फ्लक्स तो होल सरफेस। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें, जो स्फीयर है उसके टोटल सरफेस के फ्लक्स की बात करें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा फाइव ऑफ बी इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस सो ऑन प्लस फाइव एन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, टोटल फ्लक्स का। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट ए के बराबर, तो हम अगर फ्लक्स फर्स्ट पैच की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई वन डॉट डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ए थ्री डेल्टा ए थ्री प्लस ऑन डेल्टा ए एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एन आ जाएगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और हमारे पास जो एरिया होता है वो आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो चूंकि ये फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो डिग्री। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो हमारे पास ई वन डेल ए वन कॉस जीरो डिग्री प्लस ई टू डेल ए टू कॉस जीरो डिग्री प्लस ई थ्री डेल ए थ्री कॉस जीरो डिग्री प्लस सो ऑन डेल ए एन ई एन डेल ए एन कॉस जीरो डिग्री। हमारे पास जो कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वन। कॉस जीरो हमारे पास किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो अगर हम कॉस वन पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ई वन डेल ए वन प्लस ई टू डेल ए टू प्लस ई थ्री डेल ए थ्री प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे हमारे पास जो ये स्फीयर है इस पे जो ये जो चार्ज इनक्लोज करता है ये पूरे सरफेस पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, E is equal to E1 is equal to E2 सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ई एन। यानी ये आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर क्या कर देंगे, ऊपर वाले फार्मूले में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर वाले फार्मूले में अप्लाई करें तो हम देखते हैं क्या बनता है। अगर इस सारी की ई वन ई टू ई थ्री ये सब आपस में बराबर है तो हम देख सकते हैं कि ई इंटू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस ऑन डेल्टा ए एन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया है ऑफ स्फीयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई इंटू टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी हमारे पास जो होल सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर उसका जो टोटल एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन हमारे पास जो सरफेस होता है उसका एरिया क्या होता है, हमारे पास 4πr2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है क्योंकि हमने कूलम लॉ के तहत उसको डिफाइन किया था, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी वो E = 1/4πε0q/r2। यहाँ पे r क्या है उसका रेडियस है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0q/r2। ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4πr2। तो अब इधर से जो वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल होती है, वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बाकी बचेंगी, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज होगा। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज क्यों होगा। तो ये सब 4π से 4π कैंसिल, r² से हमारे पास क्या हो गया, r² कैंसिल हो गया, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है उसको इधर कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन लगा के उसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास ये phi of E क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, q/ε0। मतलब हमारे पास जो टोटल फ्लक्स हमारे पास निकला है वो हमारे पास क्या, फ्लक्स ऑफ E = q/ε0। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इतना आ गया। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास है किसी स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब हम किसी सरफेस की बात करेंगे, ये हमने इस फिगर की बात की, अगर कुछ इस तरह से इस तरह की फिगर आ जाए, कुछ इस तरह का सरफेस आ जाए, अगर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से आएगा, क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसकी रीजन ये है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी जो डिपेंडेंस है वो शेप पे नहीं, मतलब पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमने जो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया है तो इसका भी हमने कह दिया कि इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस शेप पे क्या होगा, सेम होगा। तो हम अब लॉजिक पेश करेंगे कि कौन सी रीजन है जिसकी वजह से इसका और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सेम होता है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, वो जो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड ज्योमेट्री, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री एंड शेप, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। अब हम देखेंगे कि उसकी डिपेंडेंस किस चीज पे है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किसी भी स्फीयर के मीडियम पे, किस पे डिपेंड करता है, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है, और सेकंड जो चीज है वो किस पे डिपेंड, एक तो हमारे पास ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, कि हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज सरफेस जो चार्ज इनक्लोज करता है वो उसकी नेचर क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा उस पे डिपेंड करेगा। सेकंड उसकी डिपेंडेंट है, फर्स्ट हमारे पास मीडियम पे, और जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट पे। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज चार्ज स्फीयर। थैंक यू।